या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तुस्यहि 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 नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। आप सभी दर्शकों को पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का त्यौहार आज से शुरू हो चुका है। नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को समर्पित होता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री पुकारा जाता है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप बेहद शांत, सौम्य और प्रभावशाली है। घट स्थापना के साथ ही माँ शैलपुत्रा की विधि विधान से पूजा की जाती है। आपको यहाँ माँ शैलपुत्री का स्वरूप भी जानना चाहिए। माँ शैलपुत्री के माथे पर अर्धचंद्र स्थापित है। माँ के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाईने में कमल है। उनकी सवारी नंदी माने जाते हैं। देवी सती ने पर्वत राज हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया और वह फिर शैलपुत्री कहलाई। ऐसा माना जाता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आह्वान किया जाता है। पहले से लेकर आखिरी दिन तक नवरात्रि की पूजा में कपूर का इस्तेमाल बेहद ही शुभ माना गया है। कहते हैं कि माँ दुर्गा की पूजा में कपूर के इस्तेमाल से उनकी विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री को सफेद वस्तुएं बहुत प्रिय है। इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को सफेद मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही उन्हें श्वेत पुष्प अर्पित करना भी बेहद शुभ माना गया है। वहीं आपको बता दें कि करनाल में भी नवरात्र प्रारंभ होते ही मंदिरों में भीड़ प्रारंभ हो गई, जिसके चलते आज श्री माता मनसा देवी मंदिर नेवल्टी रोड के समीप श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि काफी अरसे के बाद मंदिर खोले गए। पिछले नवरात्रों में कोरोना के चलते यह मंदिर खोल नहीं पाए थे, परंतु अब की बार सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार ही पूजा अर्चना करवाई जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बताते चले कि आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं। पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। इस बार शारदीय नवरात्रि 8 दिन के हैं, इस लिहाजे से नवरात्र का समापन 24 अक्टूबर को होगा। इसके अगले दिन 25 अक्टूबर को विजयदशमी मनाई जाएगी। नवरात्र में रोजाना काफी संख्या में श्रद्धालु माँ दुर्गा के विविध स्वरूपों के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिरों ने कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत ही प्रवेश देने की तैयारी की है। नवरात्र में भी श्रद्धालु मंदिर में मूर्ति नहीं छू सकेंगे और प्रसाद चढ़ाने की अनुमति भी नहीं होगी। मंदिर में प्रवेश से पहले सभी श्रद्धालु के हाथ सैनिटाइज करवाए जाएंगे। मंदिर के भीतर इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है कि श्रद्धालुओं में शारीरिक दूरी बनी रहे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार नवरात्र में मंदिर समितियों ने भंडारे आदि का आयोजन भी स्थगित कर दिया है। आज सुबह मंदिरों में घट स्थापना के बाद अखंड ज्योति जलाई गई, साथ ही माँ दुर्गा का श्रृंगार कर उन्हें चोला अर्पण किया गया। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ और कीर्तन हो रहे हैं। वहीं शुक्रवार को रात तक मंदिरों में सजावट का कार्य भी जारी था। उधर नवरात्र को लेकर माता रानी की चौकियां होने का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। कोरोना को लेकर पिछली बार नवरात्र में चौकियों का आयोजन नहीं हुआ था। इस बार विभिन्न संस्थाओं द्वारा करनाल जिला में कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए चौकियों का आयोजन किया जा रहा है। जी, आज से नवरात्र का प्रारंभ है। सड़क नवरात्र होते हैं, मुख्य नवरात्र दो आते हैं हमारे यहाँ, एक ग्रीष्म नवरात्र चैत्र में और ये जो है अश्विन मास में, दो कुछ नवरात्र भी आते हैं। तो माता की उपासना समय समय पर करते रहते हैं लोग। आज से प्रारंभ हो गया है तो लोग फलाहार करके माता की उपासना करेंगे, पूजन करेंगे। आज ही कलश स्थापन 7:30 बजे के बाद कलश स्थापन हो गया है और लोग अपना आराधना करेंगे।
प्रातः काल आज 7:30 बजे से कलश स्थापन का मुहूर्त था, लोगों ने वो कर दिया है या कर रहे हैं। और आज माता के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री माता का स्वरूप है, उन्हीं का जो है पूजन किया जाएगा। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटे पुष्पाण्डे चतुर्थम, ऐसे जो है माता के लघुओं का वर्णन है, उनका क्रमशः हर दिन अष्टमी अगली बार 24 तारीख को है और नवमी जो है 25 को, नवमी भी है और दशहरा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.